विंटेज T9 ओरिजिनल और फिर तो आज यही मशीन के बारे में बात करने वाले हैं कि यार बहुत सारे लोग इससे परचेस कर लेते हैं और परचेस करने के बाद वो ये सोचने लग जाते हैं यार जिस तरह से हमने वीडियोस में देखा था एकदम से ये लाइनिंग सीधे कर देती है, बाल बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो साइज काटती है, तो अब हम लोग ले जब आए हैं तो यार काट नहीं रही, क्यों नहीं काट रही, सब डिटेल इन डेप्थ आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग अगर किसी ने नहीं देखी तो सबसे पहले जाए मेरे चैनल पे, अनबॉक्स पहले इसकी देखे, क्योंकि मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं इसके ऊपर, तो पहले वो आप जाके देखें ताकि आपको अनबॉक्सिंग का पता चले, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं इस वीडियो को देखें। तो बहरहाल ये भी देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है यार। तो अनबॉक्स ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें जो जो भी है वो सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस मशीन को, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ आपको कि बेसिकली ये मशीन आखिर है क्या और जिस प्राइस रेंज में मिल रही है वो क्या, उस प्राइस रेंज में ये वाकई ही एक अच्छा बजट मशीन है, उतना काम करती भी है तो नहीं, तो सब कुछ इन डेप्थ इन डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो आज से 8 महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था ये मशीन, 8 महीने से रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी मैं ये यूज़ किए मैंने और अपनी ये जो साइड्स वाली एंगल्स हैं खुद बनाए हैं। तो अगर इस प्राइस रेंज की बात करें, उस प्राइस रेंज में ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 0% सफाई तो नहीं करने वाला ये, उसके लिए आपको दूसरी जो ट्रिमर है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रिमर जब आप यूज़ करते हैं तब ये आपकी जो दाढ़ी है यहाँ पर जो बाल होते हैं एक्सर ये यहाँ से बिल्कुल क्लीन होते हैं। तो इसका फिर क्या फ़ायदा हमें ऑर्डर करने का यार, तो जिस प्राइस रेंज में यार ये आती है ना, ऑलमोस्ट मैंने 700 या 800 रुपीज़ में ऑर्डर किया था, अब तो खैर ये 1100-1500 के आसपास पहुँच गई है। अगर आप ये ऑर्डर करते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है एल्युमिनियम एंड आयरन की फिनिशिंग यहाँ पे होती है, अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि ये मशीन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके यहाँ पर आप लगाएंगे और बिल्कुल आपको गंजा कर देगा, तो ये उस तरह का नहीं करने वाला, क्योंकि ये फेक है, ये कॉपी होती है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल ऑलमोस्ट 3000 अबव है ये मशीन, ठीक है, और पाकिस्तान में तो बहुत कम जगहों से ये ओरिजिनल मिलती है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आप माइंड में बैठा लें, चाइना की कॉपी है और इसीलिए पाकिस्तान में ये सस्ती मिल रही है। ओरिजिनल जो होती है वो भी चाइना में ही बनती है, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, वो एग्जैक्ट आपके यहाँ पे लाइनिंग परफेक्टली लाइनिंग करती है और लाइनिंग करने के साथ साथ आपके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं इनको बिल्कुल एग्जैक्टली ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बट इससे अगर बाल करें, ये एग्जैक्टली आपकी लाइनिंग वगैरह बिल्कुल यहाँ से ख़त्म नहीं करती है, कुछ ना कुछ बाल रहते हैं, इसके लिए फिर आपको ट्रिमर यूज़ करना पड़ता है और ट्रिमर यूज़ करने के बाद फिर आपके यहाँ के जो बाल हैं वो रहते हैं। लाइनिंग की अगर बात करें तो लाइनिंग की ये 50-50 है, 50% लाइनिंग ठीक करती है और 50% फिर आपको दूसरी मशीन यूज़ करने ही पड़ती है। परफेक्शन इसमें कोई भी नहीं है, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, आप ये सोच के ना लेके ये परफेक्टली आपके जो बाल हैं और लाइनिंग है ये परफेक्टली आपकी ठीक करेगी। परफेक्शन के लिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, ये जो सारी होती है ना मार्केट्स में अंडर 2K 1500 के आसपास मिल रही, 1500, 800, 1100 वो सब यही होती है, सब यही होती है, बस उनके रेट्स होते हैं। ये जो आ रही यार इसमें तो ये ओरिजिनल वाली है, इसमें तो ये है, जस्ट यार बुलशिट है, कुछ भी और नहीं है, मुझसे आप पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर 2000 के आसपास की मशीन अगर आपको मिल रही है ना, इसमें एक ये भी है और एक वो कोबरा डिज़ाइन वाली आती है, वो ड्रैगन डिज़ाइन वाली आती है, वो भी सेम होती है, वो प्लास्टिक की होती है और ये थोड़ी एलुमिनियम की बनी होती है, वो प्लास्टिक की होती है, प्राइसिंग दोनों की सेम होती है, ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा वो परचेस करते हैं क्योंकि इसकी लुकअप ज़रा अच्छी होती है, वो ऑनलाइन ज़्यादा परचेस करते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन में जाते हैं तो ज़्यादा ये लेते हैं क्योंकि इसकी जो लुकअप से ज़्यादा इसका वेट उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, उसमें प्लास्टिक की लुकअप होती है जो कि ऑनलाइन में बंदा देखता है और यार बोलता है यार क्या ही बात है यार इसे मंगवा लेते हैं, लेकिन उस वाली में भी ओरिजिनल में अगर आप जाते हो तो वो परफेक्टली काम करती है। लेकिन यार सिंपल सीधी से बात बता रहा हूँ आपको कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट पाकिस्तान में ना बहुत 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 कम, बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे मिलती हैं, वो प्लेसेस भी हमें पता नहीं है कहाँ से मिलती हैं यार। एक बार जो ओरिजिनल प्रोडक्ट लेता है दूसरी बार वो फेक कॉपी लेकर आया होता है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल में प्रॉफिट कम है और इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा आता है। अगर 300 रुपीज़ की बिल फर्जी पड़ती है ना, वो इसको ईजिली 1000 रुपीज़ की बेच सकते हैं और 700 रुपये से इसमें प्रॉफिट आता है, जबकि ओरिजिनल की बात करें वो 800 रुपये की पड़ेगी और 1000 रुपये की बेचेंगे, मतलब 200 रुपये आएगा, 700 कहाँ और 200 कहाँ, तो कौन रिकमेंड ज़्यादा करेगा इसको, जाहिर सी बात है ज़्यादा जो होंगे वो जो सेलर्स हैं
लोकल सेलर या ऑनलाइन सेलर वो ये कॉपी वाले के वही रिकमेंड करेंगे। दूसरी पाकिस्तानी मार्केट की एक ये बात भी है कि यार पाकिस्तानी मार्केट में ना लोग सस्ती चीज़ ज़्यादा ढूंढते हैं, जिसकी वजह से फिर जो सेलर्स होते हैं वो भी यार सस्ता प्रोडक्ट फिर लेकर आते हैं, वो भी क्या करें यार फिर, क्योंकि डिमांड ही जो होती है वो सस्ते प्रोडक्ट की होती है। तो कुछ ये यार बातें हैं कि होप्स हो गए मैंने बहुत सी बातें क्लियर आउट कर दी होंगी। कुछ लोग बोलते हैं यार क्या ही बात है, प्रोडक्ट बेचने के लिए ना वो इतनी इसकी शशके मारते हैं, इतने शशके मारते हैं कि यार ना पूछो कि क्या शशके मारते हैं, जैसे इस जैसी प्रोडक्ट दुनिया में आज तक आई ही नहीं, बनी नहीं है। तो ये कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मैं आपके सामने बयान कर रही हैं कि यार अगर नॉर्मल यूज़ के लिए आप लेते हो तो मेरे ख्याल से मैं भी 8 महीने से यूज़ करूँ, लाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट मटेरियल के लिए आपको ट्रिमर ज़रूर चाहिए होगा। लाइक मोस्टली जो पर्सन होते हैं ना वो अपनी दाढ़ी को एग्जैक्ट लाइक लाइनिंग देने के लिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक ये लाइनिंग, तो इस लाइनिंग को, ये वाली लाइनिंग तो चलो हो जाएगी, लेकिन ये जो लाइनिंग आप ऊपर करोगे ना यहाँ से कुछ ना कुछ बाल रहेंगे, और ट्रिमर आपको मस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये जो मशीन है ये परफेक्टली जो है आपके बाल 100% नहीं काटने वाली। तो होप्स हो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी, सब कुछ समझ आ गया होगा जो, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो यार। 99% जो लोग हैं वो चैनल बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, यार अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब करो यार, 1% सब्सक्राइबर्स टोटल मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।